हमारी मेन कैरेक्टर जूलिया डेविड के प्यार में पड़ती है। डेविड की वाइफ जूलिया का लाइफ बर्बाद करना चाहती है क्योंकि वो अभी भी डेविड से प्यार करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी अनफॉरगेटेबल ये 2017 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए जिससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें जूलिया पुलिस स्टेशन में दिखाई जाती है। पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं, 3 साल पहले तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बहुत मारा था, इस वजह से उसे सजा भी हुई थी। उसके खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था, थोड़े दिनों पहले वो खत्म हो गया और फिर तुम दोनों फिर से एक दूसरे से मिलने लग गए। उसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी थी तो फिर क्यों तुम उसके साथ रहती थी। जूलिया के घर पर उसके एक्स हस्बैंड की बॉडी मिली है। पुलिस को लगता है कि जूलिया ने ही उसका मर्डर किया है। पुलिस कह रहे थे कि जूलिया अभी भी उससे बात करती है और जूलिया को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसे सेटअप किया गया है। इसके बाद मूवी एक फ्लैशबैक में स्टार्ट होती है। जूलिया अब अपना जॉब छोड़कर अपने फियांसे के साथ रहने के लिए एक नए शहर में जाने वाली है। यहाँ पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है एली। जूलिया बहुत ही नर्वस थी तो एली उसे कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे लास्ट मैरिज की तरह थोड़ा भी नहीं होगा, तुम्हें अब लाइफ में जो भी खुशियाँ मिल रही है ये सब तुम डिजर्व करते हो। जूलिया का एक हस्बैंड ये बहुत ही अब्यूसिव था, उसे मारा करता था, इसी के बारे में उसकी फ्रेंड ये कह रही थी। इसके बाद हम जूलिया और डेविड को बेड में देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। जूलिया कहती है, हमें जल्दी से रेडी होना पड़ेगा, आज तुम्हारी बेटी भी घर पर आने वाली है। डेविड की एक्चुअल में प्रीवियस में शादी हो गई थी, उसे एक बच्ची भी है, उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है। डेविड की वाइफ का नाम टेसा है जो हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट सीन में टेसा अपनी बेटी के बाल बनाते हुए हम देख सकते हैं। टेसा अपनी बेटी से कहती है, अगर तुमने मुझे मिस किया तो डैडी को बता देना, वो तुम्हें घर लेकर आएंगे। इनकी बेटी का नाम लिली है। टेसा फिर लिली को डेविड के पास छोड़ देती है, उसका जो भी रूटीन है ये सब सही से उसे समझा देती है। जूलिया अभी अभी डेविड के साथ रहने के लिए आई है तो उसे वो गुड लक करती है। रात में जब डेविड लिली को सुला रहा था तो उसके ब्लैंकेट चेंज हो गए हैं, उसका पुराना जो ब्लैंकेट था यही वो मांगती है। नेक्स्ट डे जूलिया को एक लेटर मिलता है, उसके एक्स हस्बैंड का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अब एक्सपायर हो चुका है, यानी कि जूलिया के एक्स हस्बैंड को कोर्ट ऑर्डर मिला था जो जूलिया के आसपास कहीं भी नहीं दिख सकता, अब ये ऑर्डर एक्सपायर हो चुका है। जूलिया ये देखकर डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो लिली के साथ लंच करने ही वाली थी तभी टेसा उसे विजिट करती है। लिली के स्कूल का जो भी टाइम टेबल है वो कहती है, तुम्हें फेसबुक पर मिल जाएगा। जूलिया कहती है, मैं फेसबुक पर नहीं हूँ। टेसा उसे डेविड का अकाउंट यूज करने के लिए कहती है। ये दोनों बात कर रही थी तभी लिली इनके पास आ गई। लिली जूलिया से जिद करती है, मदर को भी हमारे साथ लंच करने दो। ये जब लंच कर रहे होते हैं तो लिली को जूलिया का खाना पसंद नहीं आता, टेसा उसके लिए अलग कुछ बना कर देती है। रात में उसे लोरी सुनाती है और अच्छे से सुला देती है। अब टेसा यहाँ से जा रही थी तो जूलिया को कहती है कि थैंक यू मुझे लंच करने देने के लिए। जूलिया कहती है, तुम जिस चीज से गुजर रही हो ये सब कुछ मैं समझ सकती हूँ। टेसा कहती है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो जूलिया को हेट करती है। रात में जूलिया को नींद नहीं आ रही थी, जब वो लिविंग रूम में आई तो उसे लगा कि उसकी खिड़की में कौन है, वो डर गई थी। अचानक से कोई दरवाजा खोलने लग गया, दरवाजा खुला तो डेविड ही था। डेविड ने नोटिस किया कि जूलिया बहुत ही डरी हुई है, उससे पूछता है कि क्या हुआ। जूलिया कहती कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आज जो भी हुआ यानी कि टेसा आई थी ये सब वो डेविड को बताती है। लिली को जूलिया का खाना पसंद नहीं आया था तो डेविड कहता है कि उसे भी आदत पड़ने में जरा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जूलिया का बचपन सही से नहीं था, वो लिली को अच्छा बचपन देना चाहती है, इसके लिए वो बहुत ट्राई करती है। वो अब अच्छे से रूटीन में लग जाती है। एक दिन वो इस सब से फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है, कहती है कि मुझे लगता है कि टेसा से मैं उसकी फैमिली छीन रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे आने से पहले ही उनकी फैमिली टूट गई थी, इस सब सिचुएशन का तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अपना करियर अपना जॉब ये भी तो चीज़ें हैं जिन पर तुम फोकस कर सकती हो। डेविड और जूलिया अब शादी करने वाले हैं तो जूलिया अच्छा सा वेडिंग ड्रेस देख रही थी जिस शॉप में हो गई, इसी शॉप से टेसा भी अपना ड्रेस बाय करती है। ये एक छोटा सा टाउन है तो इस शॉपकीपर को भी जूलिया के बारे में पता है। शादी की न्यूज़ लिली को कैसे देनी है ये जूलिया और डेविड वंडर करते हैं। डेविड कहता है कि लिली को तुम्हारी आदत होने दो, उसके बाद हम उसे बता देंगे। ये दोनों लिली का स्कूल में परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हुए थे,
यहाँ पर टेसा भी थी। जब लिली को लेकर जाते हैं तो टेसा को बहुत ही बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविड ने एक बियर की कंपनी डाली है, इसकी इनॉग्रेशन है। एक्चुअल में डेविड कुछ अलग जॉब करता था, ये सब छोड़कर अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए इस टाउन में वो आया हुआ है। वो बहुत ही खुश है कि उसके सब ड्रीम्स अब रियलिटी हो रहे हैं। यहाँ पर टेसा भी स्पीच देती है। उसे डेविड के आइडियाज अच्छे नहीं लगे थे, पर वो हमेशा डेविड पर ट्रस्ट करती थी। थोड़े टाइम बाद डेविड और जूलिया डांस कर रहे थे। टेसा ये देखकर बहुत ही जेलस होती है। जूलिया का फोन उसके पास ही पड़ा था और इस फोन पर जूलिया की फ्रेंड का मैसेज आता है। इस मैसेज में लिखा है कि तुम्हें बहुत ही अच्छा सा ड्रेस मिलेगा, सिर्फ ढूंढती रहना। इससे टेसा को पता चल जाता है कि जूलिया और डेविड की अब शादी होने वाली है। इस चीज से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। एक आदमी ने टेसा को पार्टी में अप्रोच किया, जिसके साथ वो पार्किंग में जाकर इंटीमेट हो जाती है। टेसा ने जूलिया का फोन चुरा लिया था। वो जूलिया का पूरा फोन चेक करती है। इसमें उसे पता चलता है जूलिया का एक हस्बैंड था, उसके खिलाफ उसके पास एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। अगले दिन वो डेविड के पास आए, उसे कहती है कि तुम जूलिया से शादी करने वाले हो और तुम्हें उसके बारे में पता ही क्या है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब जल्दी जल्दी हो रहा है? डेविड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जूलिया को पूरी तरीके से जानता है और टेसा से उसे शादी करने के लिए वो परमिशन नहीं लेने वाला। टेसा कहती है कि जूलिया हमारी बेटी का सही से ख्याल नहीं रख पाएगी। उस दिन पुराना ब्लैंकेट उसे जूलिया ने दे दिया था, इस वजह से उसे रैश आ गई थी। डेविड कहता है हम इस सब चीज़ों को फिगर आउट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। घर जाते वक्त टेसा ने जूलिया का जो फोन चुराया हुआ था डेविड की गाड़ी में वो फेंक देती है, यानी किसी को शक भी ना जाए। एक दिन टेसा अपनी बेटी के बाल बना रही थी, उसे पूछती है कि मैं और फादर जब एक साथ रहते थे क्या तुम्हें अच्छा लगता था? लिली कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। आज टेसा की मदर भी उसे मिलने के लिए आई हुई थी। उसकी मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें भी किसी और से अब शादी कर लेनी चाहिए, अच्छे से शादी करने के लिए तुम्हारे पास अब बहुत ही कम टाइम है। टेसा इसके लिए मान नहीं रही। उसकी मदर कहती है मैंने तुम्हें बताया था डेविड के साथ तुम अच्छे से रहो, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। टेसा डेविड और जूलिया के एक साथ फोटो देखकर बहुत रोती है। जूलिया को एक अनोनिमस नंबर से कॉल आना स्टार्ट हो गया है, इसे वो बहुत ही डर रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसके एक्स हस्बैंड की कॉल्स है। इस कॉल पर कोई कुछ भी नहीं बोलता। रात में हम देखते हैं कि टेसा जूलिया का फेक प्रोफाइल क्रिएट करती है। एक दिन जब जूलिया शावर ले रही थी तो उसके घर में कोई आया हुआ था। वो जूलिया की रिंग डेविड की वॉच चुरा कर वहां से चला गया। जूलिया को लगा कि घर में कोई है तो बाहर देखने के लिए आई तो वहां फूल पड़े हुए थे। नेक्स्ट मोमेंट में ही टेसा वहां पहुंच गए। जूलिया उस पर नाराज थी तो कहती है कि तुम हमेशा यहाँ क्यों आया करती हो? टेसा कहती है कि डेविड का मेल मेरे घर पर आ गया था, यही देने के लिए मैं आई हुई थी, सब चीजें सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं होती। गुस्सा होकर वो भी वहां से चली गई। जूलिया को जो फूल मिले थे इसे ट्रैक करने की वो कोशिश करती है, पर एनोनिमसली उसे सेंड किए गए थे। रात में जूलिया को फिर से नींद नहीं आती, वरी कर रही है कि उसका एक हस्बैंड फिर से उसे ढूंढ लेगा। वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। वो पूछती है कि डेविड को तुमने ये सब बताया? जूलिया कहती है कि डेविड मुझे बहुत ही स्ट्रांग वुमन समझता है, अगर उसे मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में पता चला तो मुझे वो वीक समझ सकता है, ये उसे नहीं चाहिए। टेसा ने अब जूलिया के नाम से फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट कर दिया है। इसी अकाउंट से जूलिया के एक्स हस्बैंड को कॉन्टैक्ट करती है, उसे चैटिंग करना स्टार्ट कर देती है। जब जूलिया और टेसा एक दूसरे से फिर से मिलते हैं तो अपोलोजाइज करते हैं। इन्होंने एक दूसरे से जो भी किया तो दोनों को बुरा लग रहा था। टेसा कहती है कि चलो आज हम लंच करते हैं। टेसा कन्फेस करती है मेरे और डेविड के बीच में जो भी हुआ ये सब मेरी ही गलती थी, मैंने उस पर सिर्फ एक ही बार चीट किया था पर फिर भी उसे बहुत ही बुरा लगा। जब वो तुम्हारे साथ होता है तो मुझे खुश लगता है। हम दोनों जब एक साथ थे तो हमारी रिलेशनशिप बहुत ही फिजिकल थी, हम कभी भी टाइम या जगह नहीं देखते थे, कहीं पर भी इंटीमेट हो जाते थे। टेसा ये जूली को जलाने के लिए कह रही थी, इससे जूलिया बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक इवेंट चल रहा था, डेविड भी इस इवेंट में अपनी बियर शो कर रहा था। जूलिया और लिली जब इस इवेंट में पहुंचे तो जूलिया को एक कॉल आया, एक कॉल वो पिकअप करती है पर अचानक से उसके पास से लिली गायब हो गई। उसे वो हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो जल्दी से भागकर डेविड के पास गए, ये दोनों उसे ढूंढने लग गए।
टेसा भी इस इवेंट में आई हुई थी, तो फाइनली उसने लिली को ढूंढ लिया। जूलिया ने लिली को गुम कर दिया तो इस पर वो बहुत ही नाराज थे। डेविड भी जूलिया पर नाराज हो गया। उससे पूछता है कि आजकल तुम्हारा चल क्या रहा है, तुम अपनी रिंग क्यों नहीं पहन रही। जूलिया कहती मैंने नाइट स्टैंड पर वो रखी थी, पर अचानक से वो गायब हो गई, वो घर में ही होगी, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। ऐसा ने डेविड को जूलिया को फूल मिले थे ये भी बताया था, तो डेविड पूछता है तुम्हें फूल किसने दिए थे। जूलिया कहती है उन फूलों को ट्रैक करने की मैंने कोशिश की, पर मुझे किसी का भी पता नहीं मिला। वो डेविड से कहती है इस सब चीज़ें ठीक करने की मैं कोशिश करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेसा लिली को हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस करवा रही थी। एक बड़ा सा हॉर्स लिली को राइड करने के लिए फोर्स कर रही थी। जूलिया यहाँ पर लिली को लेने के लिए आई। लिली डर रही थी तो जूलिया उसे कहती है अगर तुम्हें नहीं राइड करना तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। टेसा इस पर चिढ़ गए और लिली को फोर्स कर रही थी। जूलिया मानी नहीं और लिली को अपने साथ लेकर गए। वो गाड़ी में लिली को समझाती है कि कभी भी लोगों को तुम पर पावर मत करने देना, तुम्हें जो सही लगे यही तुम्हें करना चाहिए। टेसा ने डेविड को कहा था कि जब उसने लिली को ढूंढा तो एक अनजान आदमी के साथ थे। जूलिया लिली से पूछती है कि वो आदमी कौन था। लिली कहती है ऐसा कोई भी नहीं था। एक दिन डेविड और जूलिया अपने कलीग के साथ डिनर कर रहे थे। टेसा ने कहा था कि डेविड के साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत ही फिजिकल थी, ये बात जूलिया अपने माइंड से निकाल नहीं पाई है। वो तुरंत डेविड को लेकर बेडरूम में आती है, उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। उसे डेविड के साथ उसी तरीके से वाइल्ड इंटीमेसी चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब लिली फिर से टेसा के पास आए तो उस पर वो बहुत ही नाराज थी। वो कहती है तुमने मेरी बात नहीं मानी। एज अ पनिशमेंट उसके सब बाल वो काट देती है। जूलिया जब काम कर रही थी तभी उसके एक्स हस्बैंड का उसे मेल आया। इसमें उसने लिखा है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ये देखकर वो बहुत ही डर गए। थोड़ी देर में टेसा लिली को छोड़ने के लिए आई। जूलिया ने नोटिस किया टेसा के बाल कट चुके हैं और वो बहुत ही अपसेट है। जूलिया टेसा को कहती है क्या तुमने उसे पनिश किया है, तुम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि सिचुएशन डिफिकल्ट है पर तुम इसे और भी हार्ड बना रही हो। इनका झगड़ा चल रहा था तभी डेविड के नीचे से आने का आवाज आया। टेसा नाटक करती है, चिल्लाने लग जाती है, कहती कि प्लीज मुझे मत मारो। ये कहकर वो अपने आप से सीढ़ियों से नीचे गिरती है। डेविड को लगता है कि जूलिया ने ही टेसा को पुश किया। डेविड फिर टेसा को डॉक्टर के पास लेकर आया। रात में वो जूलिया से बात करता है। जूलिया उसे जो भी हुआ ये सबको सही से समझा रही थी। डेविड उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। जूलिया कहती है उसने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम पर चीट किया था, तुम उस पर क्यों बिलीव कर रहे हो। डेविड कहता है तुम में और टेसा में जो भी दुश्मनी है ये तुम्हें भूल जानी पड़ेगी, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पास में जो हुआ यह मैटर नहीं करता। टेसा ने जो किया इससे जूलिया बहुत ही डर गई थी। वो फिर अपने फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड और वो मिलकर जूलिया की सब हिस्ट्री निकालते हैं। इस हिस्ट्री से उन्हें पता चलता है टेसा जब छोटी थी तो उसने अपने फादर के घर को आग लगा दी थी। टेसा के फादर उसे और उसकी मदर को छोड़कर किसी और हाउस में रह रहे थे। जूलिया की फ्रेंड उसे कहती है ये सब बात तुम्हें डेविड को बतानी चाहिए, इस शहर से तुम दोनों चले जाओ, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जूलिया की फ्रेंड फिर चली गई। जूलिया जब अकेली घर में थी तो अचानक से उसका एक हस्बैंड वहां आ जाता है। वो बहुत ही डर गई। उसे कहती कि मेरा हस्बैंड कभी भी घर पर आ सकता है। एक हस्बैंड को लगा था कि जूलिया ने उसे इनवाइट किया है, पर वो सब चैटिंग ये टेसा कर रही थी। एक हस्बैंड कहता है कि उसके आने से पहले हम इंटीमेट हो जाएंगे। जूलिया उसे पुश करती है तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। कहता है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था। जूलिया को ये सब कुछ समझ में नहीं आता। बाद में वो फिगर आउट करती है कि टेसा ने ही उसे कॉल किया होगा। एक हस्बैंड जूलिया को मिस करता था तो उसे हक कर लेता है। उससे दूर जाने के लिए एक चाकू से उस पर वो वार करती है। एक हस्बैंड फिर से जूलिया को बहुत मारता है। वो फिर इसी चाकू से उसके पैर पर वार कर जल्दी से वहां से भाग जाती है। ये जो भी सब हो रहा था टेसा इस पर नजर ही रख रही थी। वो फिर घर के अंदर आई। वो एक हस्बैंड से कहती है तुमने इस सिचुएशन को हाथ से जाने दिया। ये समझ जाता है कि उससे चैट करने वाली टेसा ही थी। टेसा फिर चाकू लेकर उसे मार डालती है। इसके बाद मूवी का जो फर्स्ट सीन था यानी कि पुलिस जूलिया को इंटरोगेट कर रहे हैं ये आता है। पुलिस अब जूलिया पर ही शक करते हैं कि उसने ही अपने हस्बैंड को मार डाला। चाकू पर जूलिया के फिंगरप्रिंट्स है। फेसबुक पर जूलिया के प्रोफाइल से टेसा उसके एक्स हस्बैंड से बात करती थी।
इससे प्रूव होता है कि जूलिया और उसका एक हस्बैंड एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे। इस चैट से यह भी पता चलता है कि जूलिया ने अपने एक हस्बैंड को उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। जूलिया पुलिस को टेसा के बारे में बताती है, कहती है कि मुझे फंसाया जा रहा है। जूलिया पर वो बिलीव नहीं करते। इसके बाद डेविड पुलिस स्टेशन में जूलिया से मिलने के लिए आया। कहता है जो भी हुआ हम इस सब से लड़ेंगे, तुम कुछ भी वरी मत करो। डेविड से फिर पुलिस बात करते हैं, कहते हैं कि जूलिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाने वाली थी। उसे वो कुछ चैट्स दिखाते हैं। इस चैट से डेविड को पता चलता है कि जूलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके सब कुछ चीज़ें बेच कर भाग जाने वाली थी। डेविड को इस पर बिलीव नहीं आता। वो पुलिस से कहता है ये बहुत ही अजीब सा सब कुछ लग रहा है। जूलिया के खिलाफ जो भी सबूत है ये कोई प्लान कर सकता है, इसी वजह से पुलिस उसे जाने देते हैं। रात में डेविड टेसा के पास आया हुआ था। उसने वहां देखा कि टेसा ग्लव्स जला रही है। डेविड ने टेसा के पास जूलिया की रिंग भी नोटिस की। उसे सब कुछ पता चल गया कि जूलिया जो कह रही थी ये सब कुछ सच था, टेसा ने ही मर्डर किया है। डेविड कहता है तुम्हें हेल्प की जरूरत है। वो अब लिली को घर लेकर जाने वाला था तभी टेसा एक डंडे से उसके सर पर वार करती है। वो बेहोश हो गया। जूलिया जब फ्री हुई तो वो डायरेक्टली डेविड को ढूंढते हुए टेसा के पास आती है। टेसा ऊपर के कमरे में थी तो डेविड को नीचे पड़ा हुआ जूलिया नोटिस करती है। वो पुलिस को कॉल लगा रही थी तभी टेसा फोन का कनेक्शन काट देती है। वो जूलिया से कहती है कि मेरा घर है, मेरी लाइफ है, तुमने ये सब कुछ मुझसे छीन लिया। टेसा जूलिया को मारने लग जाती है। कहती है तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें इतना हर्ट किया था पर फिर भी तुमने उसे जाने दिया, तुम बहुत ही वीक हो। जूलिया अब इस पर बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई। कहती है मैं वीक थी, अब मैं नहीं रहूंगी। वो जूलिया से लड़ने लग जाती है। उसके हाथ में चाकू आ गया था। टेसा को कहती है जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ। टेसा ने फिर रियलाइज किया कि वो क्या बन चुकी है। उसने जो भी किया उसे बहुत गलत लगता है। जूलिया के हाथ में चाकू था, उसका हाथ पकड़ कर वो खुद को ही इंजोर कर डालती है। वो जूलिया से कहती है कि लिली को मेरे बारे में पता नहीं चलने देना, वो मुझे अच्छी समझती थी, तो मेरी अच्छी मेमोरीज उसे याद दिलाना। टेसा मरने वाली थी तो जूलिया उसे प्रॉमिस करती है। इसके बाद टेसा की डेथ हो गई। डेविड को हॉस्पिटल में ले जाया गया। जो भी सब इंसिडेंट हुआ ये सब पुलिस को बताया जाता है। ये केस फिर क्लोज हो जाती है। डेविड जब ठीक होता है तो ये सब बैड मेमोरीज भुलाने के लिए एक नए शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। लिली, डेविड और जूलिया इनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैमिली बन जाती है। ये सब बहुत ही खुश थे पर एक दिन टेसा की मदर इन्हें विजिट करने के लिए आई। टेसा के मदर के लुक से पता चलता है कि वो जूलिया से बदला लेने वाली है। इस क्लिफ हैंगर के बावजूद मुझे मूवी कंप्लीट लगती है। इस मूवी में जूलिया के एक हस्बैंड ने उसे बहुत ही तकलीफ दी थी, उसे मारा करता था और जूलिया सहन करती थी। जब उसके एक हस्बैंड को उसने छोड़ दिया, डेविड के साथ वो रहने लग गए, तब टेसा उसकी लाइफ में आई। जिस तरीके से जूलिया को उसका एक हस्बैंड मैनिपुलेट करता था उसी तरीके से टेसा भी करने लग गई। फाइनली जूलिया सब मैटर्स अपने खुद के हाथ में लेती है। मूवी के लास्ट में वो स्ट्रांग बन चुकी है, अब उसे कोई भी प्रॉब्लम आए इसे वो डट कर सामना करेगी। इसी एक नोट पर आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।